ये अमिताभ बच्चन हमें लेने आए हैं। ये आ गया अब धर्मेंद्र का बंदा, ये वाला सर, ये वाला। और अभी मुश्किल से हम आए हैं 50-60 किलोमीटर और देखो ये ऐसे हो गया जीरो। थोड़ा सेफ रहे भगवान जी, पता नहीं टेंशन होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम जा रहे हैं आज सुबह सुबह मुंबई, और ये रहे लकी। तो भैया लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि हम निकल चुके हैं ठीक 7:15 पे पुणे से मुंबई के लिए। बेसिकली एक कमर्शियल काम है इसलिए जा रहे हैं, और दिखा रहा है गूगल बाबा हमें कि हम पहुंचेंगे 2:57 में, और हमारा डेस्टिनेशन है जुहू 142 किलोमीटर। यहाँ से 10:25 पे हमें पहुंचना है, ये ऐसा गूगल कह रहा है कि हमें पहुंचा दूंगा। बाकी टाइम बदलेगा, वक्त बदलेगा, सफ़र में कुछ भी बदल सकता है। सेम डे वापसी हमारी। हाँ। और मौसम कुछ ऐसा है कि बहुत भयंकर धूप और गर्मी के बाद आज बिल्कुल क्लाउडी है, और आई थिंक रात को बारिश भी हुई है। हाँ। और जिस दिन हम शिरडी गए थे ना, उस दिन पीछे से इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई कि यहाँ सड़कें लबालब हो गई थी। पर जब हम वापस आए तो फिर वही धूप वगैरह सब कुछ जैसा हम दिल्ली में सह रहे थे उससे कम है, लेकिन थी धूप। आज मेरे को लग रहा है फुल क्लाउडी रहेगा, और आई होप कि मुंबई में हमें मुंबई जैसी बारिश ना मिले, क्योंकि मुंबई की बारिश के बारे में हमने बहुत खतरनाक सुना है, हमने लोग फंस जाते हैं। हाँ। लेट्स सी, देखते हैं। बाकी ये एक ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे पुणे शहर का सुबह सुबह का, ये देखिए खाली खाली सड़कें। हाँ। और सोते हुए लोग। बाकी ट्रैफिक की बात करें तो पुणे पूरा पूरा कम्पीट करता है दिल्ली को। हाँ। साइज के हिसाब से दिल्ली बड़ा है तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। NCR वालों ने भी वहाँ पे सही हल्ला बोल रखा होता है सुबह सुबह। पर ओवरऑल मुंबई मेरे को, सॉरी कौन है भाई, पुणे ओवरऑल पुणे मेरे को बहुत अच्छा लगा। और किसी नए शहर में आप जाओ ना तो वहाँ का 2-3 दिन तो ट्रैफिक भी आपको अच्छा ही लगता है। यह है कि नीट एंड क्लीन है। हाँ। थोड़ा बारिश होती रहती है, अब रेनी सीजन शुरू हो गया है तो अब तो कह रहे हैं नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अगले 10 दिन में यहाँ हर चीज़ हरी होगी, बिल्कुल हरियाली हरियाली होगी, तो उसका भी एक्सपीरियंस लेंगे। तो अभी हम पुणे हैं 2 दिन, आज रात को वापस आ जाएंगे। कल सैटरडे को हम डे कैंपिंग करेंगे अपने जिगरी दोस्त के साथ, और उसके बाद संडे या मैक्सिमम मंडे हम निकल जाएंगे अपने साउथ जर्नी की तरफ, जो कि मेन हमारा जर्नी का पार्ट शुरू होगा आफ्टर ऑलमोस्ट 7-9-10 डेज। हाँ, हाँ। अभी तो याद भी नहीं कितने दिन हो गए मैं आए हुए। जो क्लाउड जो नीचे आ रहे हैं वो पहाड़ वेजी बर्गर 1 है, चिकन मैगरिल 3 है, टोटल बर्गर 4 है। ओके, नेक्स्ट विंडो पे आ जाइए प्लीज। नेक्स्ट विंडो तो है ही नहीं। हां, सेवा तो रही थी अभी। चिकन मैगरिल विद चीज 3 थे। चिकन मैगरिल ना विद चीज एंड 1 मैक वे। ओके, दिल्ली में नहीं होता ना इसलिए बोल रहा हूं। एंड मैक वेजी, मैक वेजी 1 है। हां, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक्स। वी गॉट आर मैकडी डिलीवरी, हमने किया ड्राइव थ्रू और ये हम चल दिए हैं आगे। हमने ले लिया है पनवेल के लिए। वो देखो एक भूत आ रहा है रॉन्ग साइड। जय महाराष्ट्र। यहाँ की नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट है तो बहुत ही अच्छी है, मतलब पुणे की खास करिए तो यहाँ तो ठीक ही लग रही है सबकी। ब्रेकफास्ट हो गया है डन, हमने किया मैकडी से टेक अवे, मज़ा आया बच्चों को, टेक अवे वाला एक्सपीरियंस लिया उन्होंने और अब हमने एक इकट्ठा वो ले लिया है मुंबई की तरफ। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, राइट अ कमेंट। सामने लंबी लंबी बिल्डिंग्स मुंबई की। हमारे आगे चल रही है रॉयल्स रॉय, अमिताभ बच्चन हमें लेने आए हैं और आगे आगे हैं और पीछे पीछे हैं रॉयल्स रॉय, आगे अमिताभ बच्चन है, अपने घर ले जा रहे हो। हमने कहा टाइम नहीं हमारे पास, तो कह रहे चलो जहाँ जा रहे हो मैं छोड़ देता हूँ। तो ये सामने रॉल्स रॉय अमिताभ बच्चन की 6000 नंबर है, देख लो। है आई लव मुंबई, ओह माय गॉड मुंबई। हम आ गए जुहू। ऋतिक ये वाली बिल्डिंग में रहता है, उसने अभी नया एक और फ्लैट लिया हुआ है। okay, okay, ये सफेद वाली बिल्डिंग में, ये शिवाजी वाली बिल्डिंग है। हाँ ये वाली सुनने में तो यही आता है कि अभी रेखा ही तो रहती है, मतलब पता है ना पॉसिबल भी है ही है। पूरी की पूरी बिल्डिंग है रोहित शेट्टी की और अगली वाली बिल्डिंग शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न की रोहित शेट्टी। ये आ गया अब धर्मेंद्र का बंगला, ये वाला फैस? ये वाला, ये धर्मेंद्र का है, ये अजय देवगन का है, ये वाला है। ये अभी उसने पूरा रेनोवेट किया, ये शिव शक्ति। ये यश चोपड़ा का है। अब स्लो हो जाओ, ये लेफ्ट में अमिताभ का खाली प्लॉट है, इसका बंगला उस साइड पर है, उसने पीछे का भी खरीद लिया, मनसा बना दिया। मनसा ओके। ऑफिस है जनक। ये अमिताभ बच्चन का ऑफिस नहीं, ये पूरा इसका ऑफिस है, लेफ्ट ले लो। अब जहाँ ये, अच्छा ये हम देख रहे थे कि किसी का है, अच्छा जलसा, यस यस ओके, अमिताभ बच्चन का घर। ये इसकी है मनोज कुमार की बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग। हाँ मतलब ना एक साइड उसने सेल कर दी, एक उसने एक साइड पूरी अपनी रखी हुई है फुल टाइम। ये डैनी का है। अच्छा ये वाला मलाबार हिल चले जाना, मलाबार हिल देख लो, वो देख के फिर आप वापस अपने अपने खारगर की तरफ निकल जाना। अब आप जू बीच जा रहे हो, जू बीच पे सारी दुकानें हैं, हर किस्म की दुकान है, आप वहाँ थोड़ा कुछ खा के निकलो। अभी क्या एक तो बच गया, आप थोड़ा खा के पानी पूरी ये दुनिया भर का जितना बच्चे एंजॉय करेंगे तो करते हो आप लोग, निकल जाना। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। मिलेंगे सर कभी, आओ ना ले लद्दाख पर, तो जरूर बताना, आएंगे आपको, आपको घुमाएंगे अपना ले लद्दाख कैसे घूमते हैं। अभी ड्राइव से, हां जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय सर। तो दोस्तों मुंबई आने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमने एक किचन जिमनी के लिए जो बनाया था वो ट्रांसपोर्ट किया था, तो वैसे ही बात हुई तो मैंने उनको कहा था सर को कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं पुणे में पास में हूँ तो मेरी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगा फिट करने के लिए। हालांकि आपको पता है कि फिट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो यार क्या मतलब
ग्रेट पर्सनैलिटी है, मज़ा आ गया सर। सर थैंक यू सो मच, उन्होंने स्पेशली मतलब यहाँ गाड़ी में हमारी बैठ के पूरा अपने घर के आसपास पूरा एक राउंड लगवाया, और जितने भी सेलिब्रिटीज जिन जिन के नाम अभी आपने देखे, बंगले दिखाए, हालांकि सेलिब्रिटी कहाँ दिख रहे थे उन सब के बंगले दिखाए, तो उन्होंने सजेस्ट किया, हालांकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था मुंबई दर्शन का, लेकिन फिर उन्होंने बूस्ट कर दिया, मोटिवेट किया, अब आए हो तो ये यहाँ से जाओ वहाँ से, मैं पूरा रूट प्लान था हमारा बना दिया, तो उन्हीं के बनाए हुए रूट पर हम चल रहे हैं, और सबसे पहले हम जा रहे हैं जूहू चौपाटी। हालांकि बाहर गर्मी बहुत है, भीड़ कम हो गई है, लेकिन ट्रैफिक बहुत कम हो गया है, पर देखते हैं अब यार। बात भी ठीक है सर की, अगर आए हो तो एक राउंड मारने में क्या जा रहा है, सीलिंग वगैरह देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, हालांकि कुछ नया नहीं आप लोगों के लिए, पर फिर भी हमारे कैमरे से भी देख लो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, जिन आपकी वजह से अब हम मुंबई भ्रमण पर निकले हैं। पार्टी पे खाते हैं बेल पानी पूरी, गोलगप्पे होते हैं ना दिल्ली में, बोलते हैं गोलगप्पे, और मेरे ख्याल से ईस्ट इंडिया बोलते हैं पुचके, और यहाँ बोलते हैं पानी पूरी। पुचके नहीं, पुचका। पुचका एक और पुचके बहुत सारे। पुचका। ये सारा सी है, देखो वो देखो कितना पानी है ना, बाल्टी लाई है, अरे यार पानी निकालना था, बहुत ओवरफ्लो कर रहा है सी। पहला कौन खाएगा? चलो मैं। आने कर रही है पहली बार। यम्मी, हाथ हटा के। साइज बहुत छोटा लेकिन। भैया भसूड़ी ये है कि हम जब खारगर से चलने वाले थे तो हमने देखा कि हमारा फ्यूल जो एस्टिमेट दिखा रहा था ना, वो दिखा रहा था 180 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, और अभी मुश्किल से हम आए हैं 50-60 किलोमीटर, और देखो ये ऐसे हो गया जीरो, बिल्कुल फ्यूल जीरो दिखा रहा है ये, और लगातार उसकी लाइट जल रही है, और अभी पीछे एक पेट्रोल पम्प पे रुके तो पेट्रोल पम्प के चीथड़े उड़े हुए थे, कोई डीजल वीजल नहीं था, तो अभी एक पेट्रोल पंप आया है वो सड़क के उस पार है, और अब मैं ये बोतल लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ भरते हैं कि नहीं भरते, हालांकि भर ही देंगे, तो फिर आके देखते हैं क्या कहानी है। और ये बड़ा सिस्टम है, बहुत गंदा, जब रिजर्व लगता है ना तो उसके बाद बताता है कि 200 किलोमीटर चलेगी, लेकिन उसके बाद इतनी जल्दी ड्रॉप होता है ना कि ऐसी हालत हो जाती है। अब हो सकता है कि हो डीजल, ऐसी बात नहीं है, गाड़ी अभी बंद नहीं पड़ी हमारी, पर बंदा एक बार तो सोच में पड़ जाता है ना कि यार क्या किया जाए। चलो चांस क्या लेते हैं, जाता हूँ मैं यहाँ से कूदता फांदता बंदरों की तरह। भाई लकी गए हैं डीजल ले रहे हैं, आई होप डीजल मिल जाए, थोड़ी टेंशन होती है ऐसे कूद फांद के गए हैं, थोड़ा सेफ रहे भगवान जी, पता नहीं टेंशन होती है। वेटिंग
कैसे आएंगे, क्योंकि रोड है और रोड के उस तरफ भी गैप है उस कोने में, तो पता नहीं कैसे गए हैं, क्या किया है। आई होप जल्दी से आ जाए। वो है पेट्रोल पंप, पूरी रोड है, रोड के बाद भी स्पेस है और उसके बाद है पेट्रोल पंप। तो जस्ट होपिंग, बिल्कुल बस गलत बात है, इस साइड भी पेट्रोल पंप होना चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं है। कह रहा भरवा लो BS6 गाड़ी आपकी, मैं कहा 4 लीटर डाल रहे, फिर जैसे ही आगे कोई जा रहा है। ये डल गया है डीजल, वहाँ पे भी कितना गैप है भाई, 1, 2, 3 एक और सड़क है फिर। हाँ फिर तूने कैसे किया, भाग गया नीचे से कभी ऊपर से, मैंने पार्किंग में उतरी, मैंने ऊपर चढ़ के देखा, ऊंची बाढ़ लगी हुई है, उसको फिर जा सकते और अब जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप आएगा उस पर हम फ्यूल टैंक फुल करा लेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि जैसे विकी ये BS6 गाड़ी है और बीइंग दिस कार हमें मेक श्योर करना है कि डीजल बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो फिर हमारे इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। और बाहर का मौसम है बहुत ही मज़ेदार। वही पी सकते हो, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मेरे पास बहुत है, बट हम पिलाने वाले हैं आज आपको अपनी चाय। ये है